aanval. बजरंग दल द्वारा जो घटना की गई है बुलंदशहर में, जो घटना हुई है बहुत प्री प्लान घटना थी। वहाँ पे बुलंदशहर में उसी दिन इस्तेमा खत्म हुआ था, तमाम बहुत भारी तादाद में मुस्लिम भाई इकट्ठे थे वहाँ पे। जिस टाइम वापसी का टाइम था उस टाइम इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन वो जाबाज इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, जिसको हम लोग सलूट करते हैं, वो जाबाज इंस्पेक्टर ने अपनी जान पे खेल के इस घटना को नाकाम कर दिया। और इस घटना के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है, इसकी CBI जाँच होनी चाहिए और बजरंग दल जैसे संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करके तमाम इस तरीके के संगठनों को बैन लगानी चाहिए। सुबोध सिंह के समर्थन में जितना कुछ कहा जाए कम है। वो ना जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी शहादत दिया है, जिस तरीके के उनके कारनामे हैं, उनके वो बहुत ईमानदार और बहुत साफ सुथरी छवि के इंस्पेक्टर थे। आर्थिक सहायता के बारे में भी कुछ? आर्थिक सहायता जो है हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन आर्थिक सहायता ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। नौकरी भी दे चुकी है हम इससे नौकरी, और ये सबसे संतुष्ट हैं। लेकिन जो घटना हुई है इसका भुगतान कोई नहीं कर सकता। उस परिवार ने जो अपने मुखिया को खोया है, एक औरत ने अपने पति को खोया, बच्चों ने अपने बाप को खोया है, उसकी भरपाई पैसे से नहीं, नौकरी से नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि CBI की जांच होनी चाहिए, SIT ऑलरेडी वहां पर जांच कर रही है, उसके आधार पे आप क्या कहेंगे? कोई उस पे जो है कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। और ऐसे आतंकवादियों को, बजरंग दल जैसे आतंकवादियों को जो इस तरीके का माहौल खराब करने की देश में कोशिश कर रहे हैं, इनको परमानेंट बैन करना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि ये घटना प्री प्लान्ड थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो वही बता सकते हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि ये घटना प्री प्लान्ड थी। और इस घटना में जो दोषी हैं उनको सूली लटकाना चाहिए, ये मेरी गवर्नमेंट से मांग है। आपकी गवर्नमेंट से मांग है सूली पेट के लटकाना चाहिए? बिल्कुल लटकाना चाहिए। एक तरफ और भी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि इस घटना को पूरी तरीके से एक प्री प्लान के हिसाब से इसको अंजाम दिया गया है, और दूसरी ओर ये एक सुबोध जी के हितैषी भी बन रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके का माहौल इस टाइम प्रदेश में देश में हो रहा है। ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं सुरक्षित हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये घटना मामूली घटना नहीं है, इस घटना के पीछे बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ी साजिश थी। जहाँ तक के मुझे लगता है उस शहर में आज तक इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन वो घटना उस दिन घटी गई जिस दिन लोग वहाँ से वापसी कर रहे थे, और इसके पीछे बड़ी साजिश थी जो कि नाकामयाब हो गई। भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रत्युष मणि त्रिपाठी की हत्या की गई, इसके बारे में ये दुखद घटना है, ये भी बहुत बड़ी दुखद घटना है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे? बिल्कुल हम ये कहेंगे जिन लोगों ने ये घटना का अंजाम दिया उनको भी फांसी मिलना चाहिए, और परिवार को सरकार की तरफ से मदद मिलना चाहिए।